एक मिनट शुरू करा ना, रजिस्टर से। नमस्ते मेरे सभी पत्रकार बांधवों को और मित्रों को, आज प्रेस मीट बुलाने का रीज़न हमारे कर्नाटक में जो बीजेपी दुराड़ित 40% का सरकार था, हमारे कर्नाटक की जनता ने उस बीजेपी सरकार को निकाल फेंक के एक कांग्रेस हमारा सबके साथ रहे सो, गरीबों के साथ रहे सो, हर आदमी के हर कास्ट के साथ सेक्युलर पार्टी रह के आज हमारा कांग्रेस का सरकार पूर्ण बहुमत से कर्नाटक में सरकार बनाने वाली है। इस सरकार में हमारे मुख्यमंत्री सिद्धरमैया साहब और डीके साहब के बीच में रेस है, ये दोनों में से हमारा हाईकमांड फाइनल करने वाली है। इसको छोड़ के आज प्रेस मीट बनाने का रीजन हमारे चाहते शासक साहब, हमारे नेता, कर्नाटक प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट ईश्वर खंड्रे साहब को डिप्टी सीएम देना बोलकर हमारी मांग है। क्यों देना बोलकर भी हम बोलते हैं उसके बारे में। हमारी सरकार में, कांग्रेस सरकार में हमारे ईश्वर साहब बहुत अपने हर दिन सिर्फ कांग्रेस के लिए काम करे सो है। हमारे पूरा हैदराबाद कर्नाटक में हर कॉन्स्टिट्यूंसी घूम घूम के काम करे सो आदमी है। इसलिए ईश्वर साहब को मैं विनोद कुमार आपे डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी के नाते मेरा पर्सनल ओपिनियन, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट कि ईश्वर साहब को कर्नाटक स्टेट का डीसीएम, डिप्टी सीएम देना बोलकर हमारी रिक्वेस्ट है हमारी सरकार को। क्यों बोले तो एक बार हमारे ईश्वर साहब को डिप्टी सीएम दिए ना, हमारे रीजन में बहुत सारा डेवलपमेंट हो जाएगा। ये लास्ट टाइम की केकेआरडीबी स्कीम्स में, केकेआरडीबी फंडिंग में बहुत सारा प्रॉब्लम हुए सो है। हमारे केकेआरडीबी रीजन्स को बहुत सारा आज के डेट पे हमारा सन्मान्य खरगे साहब और एन धर्म सिंह साहब की वजह से हमारा हैदराबाद कर्नाटक एक स्पेशल ग्रांट्स में आया सो है। उस स्पेशल ग्रांट में बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट रहने दो, एजुकेशन रहने दो, बहुत सारे हेल्प हो रहा है उस तरह से। और फ्यूचर में भी अगर हमारे ईश्वर साहब को अगर डिप्टी सीएम हमारा स्टेट का दिए तो हमारा हैदराबाद कर्नाटक को अच्छा डेवलपमेंट होता। ये पब्लिक के लिए है और हर दिन हम लोग यही सोचते रहते हैं कि ईश्वर साहब को डीसीएम देना बोलकर हमारा, हमारे सरकार को, हमारे चीफ मिनिस्टर कोई भी रहने दो, हमारे सिद्धरमैया साहब रहने दो और डीके शिवकुमार रहने दो, हमारा उनको विनंती है, रिक्वेस्ट है हमारे बीदर जिले से हमारे ईश्वर खंड्रे साहब को डीसीएम, डिप्टी सीएम देना बोलकर हम उनको हमारे तय दिल से रिक्वेस्ट कर लेते हैं। रहीम खान साहब को लेकर क्या कहना है आपका? रहीम खान साहब तो कैबिनेट में आने वाले हैं, वो तो सबको मालूम है 100%। रहीम खान साहब को भी हम प्रेस मीट, अभी हम सब लोग मिलकर और एक बार प्रेस मीट करने वाले हैं। हमारे रहीम खान साहब को तो 100% प्रेस कैबिनेट दर्जा मिलने वाला है और मिलता बोलकर हम अल्लाह ताने से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ब्लेस मांग रहे हैं। और ये तो कैसा भी है, हमारे पास रहने को दो एमएलए हैं, हमारे पास एक ईश्वर साहब है और हमारे चाहते रहीम खान साहब है, दोनों को तो मिनिस्टर बनने वाला है। हमारे मिनिस्टर साहब तो बनते बनते दोनों भी मिनिस्टर बनते हैं, उसके साथ ईश्वर साहब को एक डीसीएम देना बोलकर हमारे रिक्वेस्ट है। रहीम खान साहब को मिनिस्टर और ईश्वर खंड्रे साहब को आप डिप्टी सीएम बनाने वाले, इसलिए हम लोग प्रेस मीडिया बांधव से ये आप हमारा अपील है, रिक्वेस्ट है कि ये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक हमारा जो सिद्धरमैया सरकार रहने दो और शिवकुमार साहब का सर, जो कांग्रेस सरकार है हमारा बनने वाला है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से हम रिक्वेस्ट करने वाले कि हमारे ईश्वर साहब को क्या तो करके उनको डिप्टी सीएम देना बोलकर हमारे तय दिल से उनको रिक्वेस्ट कर लेते। देते 100% देते, हमारे तौर जिले बोलते हैं उनका, लोकल गांव बोले तो बीदर जिला है, उन्होंने हमारे गांव के ऊपर, हमारे जिले के ऊपर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बहुत बड़ा प्यार है, वो हमारा प्यार को बरकरार रहते बोलकर हम उनके ऊपर भरोसा है। नाम बोलिए। मैं विनोद कुमार आपे डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी बीदर जिला कांग्रेस कमेटी। क्या